हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो हमने 11 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया, यूनिट डायमेंशन। तो हमने जो कल पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, विच कैन मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन किसी भी चीज को, तो वो क्या हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं एक ये बॉटल है मेरे पास, बॉटल की बात करूँ तो इस बॉटल के लिए मैं क्या मेजर कर सकती हूँ। जैसे मैं इस बॉडी का रेडियस मेजर कर सकती हूँ, उसके लिए वॉल्यूम मेजर कर सकती हूँ, उसकी हाइट मेजर कर सकती हूँ। तो जिन चीजों को मैं इस बॉटल के लिए मेजर कर सकती हूँ वो सब क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक। तो अभी फिजिकल क्वांटिटीज है, ये दो टाइप की हमने पढ़ी थी, एक तो थी फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक थी ड्राइव क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल कौन सी, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट है, यानी जिनको हमें डायरेक्ट ही मेजर करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, तो दैट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हो सकती है, मास हो सकता है, मास है, लेंथ है, ठीक, टेम्परेचर है। तो हमने कितनी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी। तो वो क्या है, उनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो जो डायरेक्टली मेजर होंगी उन्हें बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड कौन सी होंगी, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी, अगर मुझे वेलोसिटी को मेजर करना है तो मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे इसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, दोनों चीजों को एक साथ मेजर करना पड़ेगा मुझे। तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो डिराइव क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो रही है, दो अलग अलग क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनसे मिलकर क्या हो रही है, डिराइव हो रही है। ठीक है। फिर आती है फिजिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट क्या काम करती है, तो फिजिकल यूनिट हमें ये बताती है कि हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 100, 100 ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। जब तक मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे कोई यूनिट नहीं लगाऊंगी, मैं ये नहीं कह सकती मैंने किस चीज को मेजर किया है। ठीक है। तो सपोज मैंने इसके पीछे केजी लगा दिया, इसका मतलब मैंने क्या किया है, मास को वेट क्या किया है, मैंने मास को मेजर किया है। अगर मैं इसके पीछे आर लगा दूं, यानी टाइम को मेजर किया है। अगर मैं इसके पीछे क्या लगा दूं, मीटर लगा दूं, इट मीन्स मैंने इसको लेंथ को मेजर किया है। तो जब फिजिकल यूनिट क्या बताती है कि हम किस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। ठीक है। अभी फिजिकल यूनिट थी, ये भी दो टाइप की थी, फंडामेंटल यूनिट और दूसरी थी हमारी डिराइव यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव। अभी जो फंडामेंटल यूनिट है, वही जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके लिए जो यूनिट होंगी वो हो जाएंगी फंडामेंटल यूनिट, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज से उनके लिए जो यूनिट होंगी वो हो जाएगी हमारी डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि मास, मास के लिए जो यूनिट होगी, मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसके लिए जो यूनिट हो जाएगी वो ग्राम, किलोग्राम, तो ये क्या है, इसकी फंडामेंटल यूनिट हो गई। अब ऐसे ही वेलोसिटी की बात करूँ, तो वेलोसिटी थी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, मेजर करूँ, तो मुझे इसके लिए जो यूनिट लिखूंगी वो मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम पर, वो किलोमीटर पर आर हम लिखेंगे। तो क्या है, ये कौन सी हो गई, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए फंडामेंटल यूनिट का यूज करते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए डिराइव्ड यूनिट का यूज करते हैं। फिर हमने देखे थे डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल जो यूनिट्स है वो प्रेजेंट है, तो उनकी जो पावर होती है वो क्या बताती है, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट उस जो ड्राइव क्वांटिटी है उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे मैंने बोला, हमने इसको लिखते कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला को, कि अगर मुझे एक, इसमें तीन बेस क्वांटिटीज का यूज करते हैं हम, एक तो मीटर, मतलब किसके लिए लेंगे मीटर हम, लेंथ के लिए, ठीक, और लेंथ के बाद मास, मास के लिए हम लेते हैं एम, या हम सीधा सीधा ऐसे ले सकते हैं एम एल टी। एम एल टी का मतलब, एम का मतलब होता है मास, एल का मतलब होता है लेंथ, टी का मतलब होता है टाइम। फिर इसमें हम तीन बेस क्वांटिटीज का यूज करते हैं क्या करने के लिए, डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखने के लिए। ठीक है। तो एम की पावर, यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर एम की जितनी भी पावर होंगी, यानी एम का मतलब मास, जितने टाइम मास यूज हो रहा होगा उसके अंदर, तो उसकी पावर यहाँ लिख देंगे।
अगर वो ऊपर है तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी, अगर वो डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और हमने SI सिस्टम पढ़ा था, तो SI सिस्टम सबसे पहले क्या था, और हमारे पास में MKS सिस्टम, CGS और FPS, ये तीन टाइप के हमने क्या पढ़े थे, सिस्टम पढ़े थे। MKS सिस्टम, इसमें जो हमारी क्या है, मास है। MKS सिस्टम में मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर। एम का मतलब क्या है यहाँ पर, मीटर, यानी लेंथ को मेजर कर रहे हैं मीटर के अंदर। के का मतलब है किलोग्राम, यानी जो मास है उसको मेजर कर रहे हैं हम इसके अंदर, केजी के अंदर। और टाइम को हमेशा हम सेकंड में ही मेजर करते हैं। सीजीएस में आएगा सेंटीमीटर, यानी लेंथ को सेंटीमीटर में। और जी का मतलब है ग्राम, यानी मास को हम ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकेंड में। FPS यानी जो हमारी लेंथ है उसको हम मेजर करेंगे फुट के अंदर। और जो हमारा पी का मतलब है वो पाउंड, यानी वेट, जो मास है उसको हम पाउंड में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो इसके बाद जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो हमारा यूनिट सिस्टम है वो है SI यूनिट सिस्टम। तो इन्होंने जो 7 बेस क्वांटिटीज थी उनके लिए क्या की थी, यूनिट को लिखा था। तो उनको डायमेंशनल जो फॉर्मूला लिखते हैं हम क्या लिखते हैं कि अगर मुझे एम की बात करनी है तो ये एम, अगर एल की बात करनी है तो एल के आगे पीछे ब्रैकेट लगा देंगे, या एल को ब्रैकेट में लिख देंगे, या टी है तो टी को। अगर कैंडेला को लिखना है तो ये सी डी, टेम्परेचर यानी कैलविन, ठीक है, मोल यानी ये किसकी यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम देख लेते हैं डायमेंशनल। अब इसके आगे जो है, हमने डायमेंशन पढ़ लिया, अभी डायमेंशन हम पढ़ क्यों रहे, क्या काम आएगी, तो इसके क्या है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या क्या है कि अब तीन इसके मेन एप्लीकेशन है, तीन कौन कौन से। पहला एप्लीकेशन है इसका टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यानी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने बोला मेरे पास मास है वो केजी में है, केजी का मतलब एम के सिस्टम में या एसआई सिस्टम में बोल सकते हैं, तो अब उसको ग्राम में चेंज करना है, यानी सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, यानी सीजीएस से एफपीएस में कर सकते हैं, या एसआई से क्या कर सकते हैं, सीजीएस में चेंज कर सकते हैं, सीजीएस को वापस एमकेएस में चेंज कर सकते हैं। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। दूसरा जो है इक्वेशन, जो कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए, क्या वो इक्वेशन सही लिखी है या नहीं लिखी है, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। थर्ड जो है रिलेशनशिप बताने के, किसके बीच में, जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच में रिलेशनशिप बताने, जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है। तो रिलेशन बताने के लिए कि फिजिकल क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले है कि एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको वन यूनिट को दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज कैसे करते हैं। तो इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें जो मैग्नीट्यूड है, फिजिकल क्वांटिटी जो है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम वेदर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी वॉट एवर जो भी आपका क्या यूनिट सिस्टम होता है, मैं FPS में बोलूँ या CGS में बोलूँ या MKS में बोलूँ या उसको SI में बोलूँ, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब वो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो हमें वही चीज ध्यान में रखनी है कि इसके लिए हम क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को सेम रखना है जब भी हम क्या करें, वन यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले से पहले कुछ चीज है, जैसे कि इफ U1 एंड U2, अब U1 U2 क्या है, आर द यूनिट्स, यूनिट है तो यूनिट, तो दोनों अगर दो अलग अलग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों में यूनिट क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। एक में किलोग्राम है तो एक में ग्राम होगी, एक, ठीक है। अगर किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, तो किलोग्राम और ग्राम हो गया, तो क्या हो गई, ये यूनिट चेंज हो गए। तो इसलिए यहाँ पर U1, वन और टू इसीलिए यूज किया क्योंकि एक में दूसरी यूनिट है, दूसरे के अंदर दूसरी यूनिट है, इसलिए वन और टू यहाँ पर अलग हमने यूज किया। तो U1 और U2 क्या है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट है दो अलग अलग सिस्टम में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्यू, और P1 और P2 क्या है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो क्यू, जब भी हम किसी क्वांटिटी को लिखते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। यानी कि जैसे मैंने बोला 10 10 kg, तो 10 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक उसकी यूनिट चाहिए।
तो हमेशा हम यहाँ पर क्यू की बात कर रहे थे, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी थी, क्यू इक्वल्स टू पी वन। पी वन क्या था? पी वन था हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये होगी पी वन। तो इसी सेम सिस्टम में यूनिट क्या है? यू वन। तो पी वन इंटू यू वन हो गया। अगर दूसरे सिस्टम की बात करें तो पी टू, उसकी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। यू टू क्या है? उसके लिए यूनिट हो गई। तो पी टू इंटू यू टू दूसरे यूनिट सिस्टम में उसकी वैल्यू हो गई। तो ये दोनों क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हमें किसकी हेल्प से चेंज करना है? डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी कुछ ना कुछ क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर एम वन, एल वन, टी वन, ये क्या बता रहे हैं? जो फंडामेंटल यूनिट यूज किए किसके अंदर? जो फंडामेंटल यूनिट है ये किसमें यूज किया हमने? एक मतलब जो भी हमारा क्या है फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ रहा है, तो उसमें एम वन, एल वन और टी वन वो सेम चीजें हैं, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम वन मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल वन लेंथ को और टाइम को, टी वन रिप्रेजेंट कर रहा है। और एम टू, एल टू और टी टू क्या है? करस्पॉन्डिंग यूनिट्स ऑफ अनदर सिस्टम, यानी दूसरे सिस्टम में है ये, ठीक है। तो अब वो जो क्यू क्वांटिटी है, क्यू क्वांटिटी के लिए क्या है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है, यानी एम की यहाँ पर कुछ पावर होगी, बी एल की कुछ पावर होगी, डी की कुछ पावर होगी। तो उसको हमने ए बी और सी नाम दे दिया, यानी एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यही सेम चीज अगर मैं फर्स्ट यूनिट सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो उसमें यू वन, यू वन क्या है उसकी? हमने यू वन क्या बोल, यूनिट। तो ये यूनिट किसके इक्वल होगी? इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला के। तो यूनिट ये इसमें हमने लिख दिया एम वन, एल वन, टी वन, क्योंकि ये फर्स्ट वाले के लिए है। ए बी सी क्या होनी चाहिए यहाँ पर? सेम होनी चाहिए, क्योंकि चाहे यूनिट सिस्टम कोई भी हो जिसमें फंडामेंटल यूनिट है उनकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही सेम हमने एम टू के ऊपर भी ए लगा दिया, एल टू के ऊपर बी लगा दिया और टी टू के ऊपर सी लगा दिया। अब क्या किया हमने, इसको जो इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन क्या थी कि पी वन यू वन इक्वल टू पी टू यू टू। तो यू वन की जगह हमने रखा एम वन ए, एल वन बी और टी वन सी, यानी यू वन की जगह, यूनिट की जगह क्या रख दिया इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला फर्स्ट सिस्टम में, दूसरे वाले के लिए हमने दूसरा रख दिया। अब ये जो फर्स्ट वाला, हमें किसकी वैल्यू निकालनी? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करें। तो हम मान रहे कि हमें पी वन, जो यू वन यूनिट सिस्टम था, इससे हमें यू टू में चेंज करना है, ठीक है। यू टू के साथ में क्या एसोसिएटेड है? पी टू। तो पी टू को तो यही रखेंगे, पी टू के साथ में जो भी डायमेंशनल वाला फॉर्मूला है उसको क्या कर देंगे? पी वन वाले के जो मतलब दूसरे साइड जो टर्म है उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद एम वन अपॉन एम टू हो गया, एल वन अपॉन एल टू हो गया और टी वन अपॉन टी टू हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है क्या करने के लिए? किसी भी यूनिट सिस्टम को एक से दूसरे में चेंज करने के लिए। जैसे अभी हम चेंज करके देख लेते हैं कैसे होगा ये चेंज। जैसे बोला है कि 1 जूल को किस में चेंज करना है? आर्क में। तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट किसकी है, जैसे जूल। अब जूल किसकी यूनिट होती है? जूल होती है एनर्जी की यूनिट, जूल है एनर्जी की यूनिट, ठीक है। और आर्क भी क्या होगी? एनर्जी की होगी। पर अब जूल कौन से सिस्टम में होती है? एनर्जी की जो यूनिट है जूल, वो कौन से सिस्टम में होती है? एसआई सिस्टम में। यानी हमें एसआई सिस्टम से किस में चेंज करना है? आर्क, आर्क किस में है? सीजीएस में। आर्क है सीजीएस सिस्टम में, यानी यू वन से ये हो गया यू टू, यू वन से हम यू टू में चेंज कर रहे हैं। तो यू वन की जगह कौन आ गया? एसआई सिस्टम, ठीक है। और यू टू की जगह कौन आ गया? सीजीएस सिस्टम, ठीक है। चलो अब एनर्जी, अब हमें क्या चाहिए सबसे पहले? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए? एनर्जी के लिए। अब वो हमें या तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या करेंगे? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या करते हैं? जो भी हमें याद नहीं है तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर जैसे एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क के इक्वल होती है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स, फोर्स को हम लिखते हैं एम ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्टेंस क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करें, इसकी यूनिट निकाल लें हम, ऐसा यूनिट निकाल लें। ऐसा यूनिट की मास के लिए, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स की ऐसा यूनिट की होगी केजी, यानी मास के लिए केजी, और जो एक्सेलरेशन है उसके लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक अब ये तो फोर्स की यूनिट लिख दी मैंने कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए भी यूनिट क्या होगी? मीटर ही होगी। डिस्टेंस के लिए सेम यूनिट क्या होगी?
मीटर होगी, तो ये मैंने यहाँ मीटर लिख दिया। अब मुझे क्या लिखना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। लिखेंगे कैसे, एम एल और टी। अब इसमें देखना एम का मतलब क्या होता है, मास। तो इसमें कितने मास प्रेजेंट है, मास की कितनी पावर, मास यानी मास किसको रिप्रेजेंट किया, तो केजी है, ग्राम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके अंदर केजी है, तो यहाँ पर एक ही केजी यूज हो रहा है, यानी एम की कितनी पावर है, 1 पावर। तो एम वन, अब लेंथ कितनी लेंथ यूज हो रही है इसके अंदर, 1 एम की पावर यहाँ है, 1 यहाँ है, यानी मल्टीप्लाई में है पावर एम की, तो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब एड हो जाएंगी, यानी 1 + 1 2, तो यहाँ पर 2 हो गई लेंथ की पावर। फिर है टाइम, अब टाइम किसके अंदर 2 है, नीचे सेकंड स्क्वायर आ रहा है, पर कहाँ रहा है, नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा तो किसमें जाएगा, नेगेटिव, यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम, टी की पावर -2। तो हमें ये याद होना चाहिए माइनस क्यों आया, क्योंकि जो टाइम था ये कहाँ था, डिनोमिनेटर में था, ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, एम वन एल टू और टी -2। अब ये हो गया हमारा, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला था कि यू टू इक्वल टू यू वन, या पी भी लिख सकते हैं, एम वन अपॉन एम टू पावर ए, एल वन अपॉन एल टू पावर बी, और टी वन अपॉन टी टू पावर सी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हमें दोनों यूनिट सिस्टम में क्या करनी है, एम एल और टी की वैल्यू लिखनी है, हमें किससे किस में चेंज करें, एस आई टू सी जी एस, एस आई से चेंज कर रहे हैं सी जी एस के अंदर। तो पहले लिखते हैं हम एम की वैल्यू, एम का मतलब मास, एम का मतलब हो गया हमारा मास। तो मास का मतलब एस आई सिस्टम में मास को किस में लिखते हैं हम, 1 किलोग्राम में, मतलब किलोग्राम में लिखते हैं, तो 1 kg हम की वैल्यू 1 बन लेंगे। फिर एल, एल का मतलब लेंथ, लेंथ को हम किस में लिखते हैं, मीटर में, तो ये हो गया 1 मीटर। लेंथ को किस में लिखते हैं, सेकंड में, ठीक है। अब ऐसे ही सीजीएस में, सीजीएस में मास को किस में लिखते हैं हम, 1 ग्राम। लेंथ को किस में लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर, और टाइम को लिखते हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अब ये जो यूनिट है दोनों सिस्टम की, एसआई और सीजीएस, तो इनकी दोनों की वैल्यू को इक्वल बनाना है, यानी दोनों को या तो सीजीएस में कन्वर्ट कर लूं या दोनों को एसआई में कन्वर्ट कर लूं। तो मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर रही हूँ, या सिर्फ इन वैल्यूज को, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ इन वैल्यूज को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, मैं एसआई वाली जो वैल्यूज है उनको किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, सीजीएस के अंदर। तो 1 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, अब 1 सेकेंड तो इक्वल ही है, तो ये इसको चेंज कर लिया हमने। अब ए बी और सी, ये जो ऊपर ए बी सी लिखे हुए हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर, ये ए बी सी क्या थे, जो भी हमने क्या किया डायमेंशन फॉर्मूला निकाला उसको कंपेरिजन करेंगे। एम के ऊपर जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी जो एल के ऊपर पावर है यानी 2, सी की वैल्यू क्या होगी जो टी के ऊपर पावर है यानी -2, निकल गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देते हैं, तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे, यानी यू टू इक्वल टू यू वन, अब हम क्या कर रहे हैं, किसको चेंज करना है हमें, वैल्यू क्या थी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 जूल को चेंज करना है, तो यहाँ पर यू वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू वन या पी वन, हम ये इसको पी टू और पी वन कर देते हैं, क्योंकि तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी, हमें क्या निकालनी, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी दूसरे यूनिट सिस्टम में। तो पी टू इक्वल टू पी वन, अब पी वन क्या था, पी वन था हमारा 1, पहले सिस्टम में वैल्यू थी हमारी 1, तो यहाँ तो लिख दिया मैंने 1 × एम वन अपॉन एम टू, ठीक है। तो एम वन की वैल्यू क्या है, अब ये थी एम वन, एम वन कौन सा लेंगे हम, कि जो पहले यूनिट सिस्टम में था, तो पहला यूनिट कौन सा, पहला कौन सा था हमारा, जूल वाला था, जूल से हम किस में चेंज कर रहे हैं, अर्ग में, तो जूल किस में, एसआई में, तो जो पहला वाला सिस्टम है उसके लिख देंगे 1, और जो दूसरा वाला सिस्टम है उसके नीचे लिख देंगे हम 2, एल 2 और ये टी 2। तो एम वन की वैल्यू कितनी होगी, 1000, ठीक, अपॉन एम टू, एम टू की वैल्यू 1, दोनों की यूनिट हो गई ये सेम, पावर क्या आएगी, ए, यानी पावर होगी 1 मल्टीप्लाई, फिर एल वन अपॉन एल टू, एल वन की वैल्यू है 100 अपॉन, और इसकी वैल्यू है 1, एल वन, एल वन और एल टू, और पावर क्या आएगी, बी, यानी बी की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट जो है टी वन, टी वन और टी टू दोनों की वैल्यू क्या है, 1, और पावर कितनी है, -2, ठीक। अब ये तो हो गया 1, अब 1000 की पावर 1, तो हम इसको लिख देते डायरेक्ट 10 पावर 3, 1000 को हम 10 पावर 3 लिख सकते हैं, फिर लिखा है 10 पावर, मतलब 100 को हम लिख रहे हैं 10 पावर 2, और उसके ऊपर लग रहा है स्क्वायर, 1 अपॉन 1, 1 के ऊपर कोई भी पावर वैल्यू क्या आएगी, 1, तो ये तो आ गया 10 पावर 3, और ये पावर के ऊपर पावर है, इट मीन्स वो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा 4,
अब ये दोनों का बेस सेम है, यानी दोनों का बेस 10 है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया 10 पावर 7। यानी इधर क्या था हमारी 1 जूल, तो 1 जूल अर्ग में कितने के इक्वल हुआ, 10 पावर 7 अर्ग के। 1 जूल 10 पावर 7 अर्ग के इक्वल हो गया। तो हमने क्या किया, एक यूनिट सिस्टम से उसको दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज कर दिया। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 1 डाइन, 1 डाइन को किस में चेंज करना है, न्यूटन में। अब डाइन का हमें पता नहीं था, पर हमें न्यूटन का पता है। न्यूटन किसकी यूनिट है, एक तो ये फोर्स की यूनिट है, और कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है। यानी हमें किस में चेंज करना है, CGS से SI में चेंज करना है, ठीक है। FPS मोस्टली क्या है, यूज नहीं होती, हम सिर्फ CGS को SI में और SI को CGS में चेंज करते हैं। CGS की जगह कभी MKS भी आ जाता है, ठीक है। तो हमें CGS को SI सिस्टम में चेंज करना है, ठीक। तो अब 1 डाइन को चेंज करना है किसके अंदर, हमें न्यूटन के अंदर। अब हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, पहले तो हम क्या निकालेंगे इसका फॉर्मूला, यानी फोर्स। फोर्स क्या है, मास मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो होगी एक्सेलरेशन के लिए, और किलोग्राम जिसकी होगी मास के लिए। तो ये तो होगी इसकी यूनिट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एम एल टी। एम की कितनी वैल्यू इसके अंदर, 1 वैल्यू, तो एम 1 हो गया। एल की कितनी वैल्यू इसके अंदर, यानी एल का मतलब लेंथ, लेंथ कितने किलोग्राम, सॉरी, तो एम का मतलब था मास, तो मास की यानी केजी, तो केजी की 1 वैल्यू है, लेंथ की भी 1 वैल्यू है, और टाइम की कितनी वैल्यू है, 2। बट ये 2 कहाँ पर है, डिनोमिनेटर के अंदर है, तो ये आ जाएगा T-2। तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, आ गया फोर्स के लिए, ठीक है। अब इससे इक्वेट करेंगे तो एक ही वैल्यू क्या आएगी, जो ऊपर वैल्यूज थी ये क्या होती है, ए बी और सी की वैल्यू, एम की वैल्यू, एम की जो पावर है वो होगी ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू 1। एल की पावर जो होगी वो होगी बी की वैल्यू, यानी 1 हो गई। ऐसे ही सेम टी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, सॉरी टी की क्या, सी की वैल्यू, ठीक है, जो पावर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, ठीक है। अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम कौन सा है, सीजीएस से चेंज करना है हमें एसआई में। तो ये पहला सिस्टम है, तो यहाँ पर आएगा M1, L1 और T1। ये दूसरा सिस्टम है, तो यहाँ आएगा M2, L2 और T2। M1 सीजीएस की बात कर रहे हैं, तो एम का मतलब मास। तो मास, सीजीएस में मास को किस में मेजर करते हैं, 1 ग्राम। लेंथ को 1 सेंटीमीटर, टाइम को 1 सेकेंड। नेक्स्ट M2 दूसरा यूनिट सिस्टम आ गया। अब SI में M का मतलब मास, तो मास को किसमें मेजर करते हैं, 1 किलोग्राम में। लेंथ को मेजर करते हैं 1 मीटर में, और टाइम को चेंज करते हैं हम 1 सेकेंड में। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस की दोनों की यूनिट को सेम बनाना है, या तो किलोग्राम वाले को ग्राम में चेंज कर लें, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें, या फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लें और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें। दोनों ही प्रोसेस से करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब कहना है क्या है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया 1000 ग्राम, और 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को ये सेकंड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सेम है, ठीक है। अब फॉर्मूला P2, ठीक है, P2 इक्वल्स टू P1 था। P1 क्या है, P1 थी वैल्यू, किसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सिस्टम में, तो पहले सिस्टम में हमें क्या था, 1 डाइन, यानी 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आगे तो आ गया 1। ये फॉर्मूले में था M1 अपॉन M2, M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 1000, और पावर A, A की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू L1 अपॉन L2, L1 की वैल्यू 1 और L2 की वैल्यू 100, पावर कितनी है 1। सेम T1 अपॉन T2, T1 और T2 दोनों वैल्यू 1 है, और पावर कितनी होगी, -2। अब 1 इंटू 1 अपॉन 10 मतलब 1000, 1 अपॉन 1000 है, 1000 को हम 10 पावर 3 लिख सकते हैं, और ये नीचे है, और ये जैसे ऊपर आएगा तो ये जो पावर है किसमें जाएगी, नेगेटिव में चेंज। अगर हम कोई पावर वाला नंबर है, कोई वैल्यू है, तो उसको अगर उस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव में चेंज हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर 100 है, 100 को 10 पावर 2 लिख सकते हैं, ऊपर आएगा तो 10 पावर क्या हो जाएगा, -2। 1 अपॉन 1, 1, और 1 की पावर कुछ भी लें, यहाँ से क्या आएगा, 1। तो ये इन दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएंगे, पावर एड, यानी -3 और -2, -5 हो गया, ठीक है। तो P1 क्या था, ये P2 था हमारा 1 डाइन, यानी 1 डाइन 10 पावर -5 न्यूटन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी 1 डाइन किसके इक्वल होगा, 10 पावर -5 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ और चेंजेस भी आते हैं, कि अभी जो हमारी वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, 1 1 के अंदर आ रही थी, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले यूनिट सिस्टम में वो 1 है,
अब 1 नहीं है, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दी 1 के अलावा, क्या करते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दी। जैसे यहाँ पर क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इन SI यूनिट इज दिस, तो अब ये पता होना चाहिए हमें यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है वो होता क्या है। तो SI से किस में चेंज करना है, CGS में चेंज करना है, जो समझ में आ गया। अब ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वो निकालेंगे कैसे, तो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=G m1 m2 / r2, ठीक है। तो जी जो होता है यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो जी को हम एक तरफ रखेंगे सेपरेट, और बाकी जो टर्म है उनको हम कहाँ जाएंगे, उनकी साइड चेंज कर देंगे, m1 m2, ठीक है। ये हो गया, अब मुझे ये फॉर्मूला आ गया, अब मुझे पहले इसकी क्या करनी पड़ेगी, यूनिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यूनिट हमें दिख रही है, क्या है यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या आ रही है, न्यूटन। फोर्स के लिए न्यूटन हो गया, जो आर है, आर क्या डिस्टेंस है, तो इन्हें डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, और नीचे जो था यानी किलोग्राम स्क्वायर, तो इसी को हम ऊपर लिखा हुआ है किलोग्राम -2। जो किलोग्राम -2 है क्यों है, क्योंकि ये जो है नीचे है डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या होगा, जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम, एम की वैल्यू कितना मास प्रेजेंट है इसके अंदर, 2 मास, एम इसके अंदर कितने मास प्रेजेंट है, केजी, केजी का मतलब मास, यानी 2 मास प्रेजेंट है। एल, एल की कितनी वैल्यू प्रेजेंट है, एल का मतलब लेंथ, तो 2 लेंथ प्रेजेंट है, यानी मीटर स्क्वायर है तो 2 लेंथ प्रेजेंट है। टाइम, कितना टाइम प्रेजेंट है, क्या ये सही है, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्या। अब न्यूटन हमें पता है, न्यूटन का मतलब क्या होता है, फोर्स, तो हमें फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऐसा यूनिट, मतलब फोर्स के लिए न्यूटन ऐसा यूनिट है, बट ये जो फंडामेंटल यूनिट है उसकी फॉर्म में नहीं है। तो पहले न्यूटन को भी हमें किस में लिखना पड़ेगा, हमें अगर हम यहां से करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो सही नहीं आएगा, जो मैं एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जो हमें चाहिए वो नहीं आएगी। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूटन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा फंडामेंटल यूनिट में, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताता है, उसमें कितनी फंडामेंटल यूनिट्स का यूज हुआ है। तो न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट तो है, पर ये फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट नहीं है अभी, ठीक है। तो फोर्स, फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, फोर्स के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, अब इसके अंदर कितने मास प्रेजेंट है, अब देखेंगे हम, हमारी वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, न्यूटन को भी किस में चेंज कर दिया, फंडामेंटल यूनिट में। तो मास, मास में 1 kg नीचे, 2 kg नीचे है और 1 ऊपर है, तो 1 kg से 1 kg कट जाएगा, आप केजी कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, यानी ये हो गया -1। -1 क्यों, क्योंकि 1 kg कहाँ बचा, नीचे, तो ये जाएगा -1। अब लेंथ, 2 लेंथ यहाँ थी और 1 है फोर्स के अंदर, तो टोटल कितनी होगी, 3, एल हो गया 3। टाइम, टाइम कितना है, सेकंड स्क्वायर है, सेकंड कहाँ पर, डिनोमिनेटर में, क्या आ जाएगा, T-2, यानी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो है इसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ, m-1 l3 और t-2। अब ये आ गया, अब हमें किसको किस में चेंज करना है, SI सिस्टम को CGS में, SI to CGS। अब एक वैल्यू और लिख लेते हैं ABC की, A की वैल्यू क्या होती है, m की जो पावर है, m की पावर -1, l की जो b की वैल्यू, यानी l की जो पावर है, l की पावर 3 है, c की वैल्यू जो t की पावर होती है, यानी -2। तो ये अब SI to CGS में, सब एम के एस में ही है, यानी एम, एल और टी ही है इसके अंदर, m1 l1 t1, यहाँ पर m2 l2 और t2। m1, m का मतलब मास, तो SI में मास को किस में लिखते हैं, 1 kg, ओके। तो हम इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं सिंपली, तो यानी 1000 ग्राम, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एल, लेंथ को किस में लिखते हैं, 1 मीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर ले, 100 सेंटीमीटर। T1 यानी 1 सेकेंड। M2 CGS के अंदर लिखते हैं हम मास को, 1 ग्राम के अंदर, लेंथ को लिखते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर, और टाइम को लिखते हैं 1 सेकेंड के अंदर। अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, कि P2 = P1, P1 क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्या दी है, 6.6 × 10⁻¹¹। तो हम उसको यहाँ लिखेंगे 6.6 × 10⁻¹¹ की क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फर्स्ट यूनिट सिस्टम, फर्स्ट कौन सा था, SI, SI से हम किस में चेंज कर रहे हैं, CGS में, इनटू m1 / m2, m1 की वैल्यू
m2 की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -1। नेक्स्ट कि L1 अपॉन L2, L1 है 100, L2 है 1 और पावर है 3। ऐसे ही T की वैल्यू 1, 1 और ये -2। 6.6 × 10⁻¹⁻। अब 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10³। अब 10³ के ऊपर है -1, यानी 10⁻³ क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, क्योंकि पावर के पावर है तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पर 100 100 को लिखेंगे 10⁻² और 2 के ऊपर क्या है 3, यानी पावर के ऊपर पावर यानी मल्टीप्लाई, यानी 10⁻⁶। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो एक्स वाई जेड, आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अब ये जो बाकी की बची हुई पावर है उनको हम चेंज कर लेते हैं, इंटू 10⁻ कितनी आ जाएगी टोटल, 6 - 3 यानी +3, और -3 + 3 कितना आ जाएगा हमारे पास में, -3 + 3 -8, -8 यानी 6.6 × 10⁻¹⁸ क्या आ गई हमारे पास में, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई किसकी, फर्स्ट यूनिट सिस्टम को हम चेंज किया किसमें, सीजीएस के अंदर, तो 6.6 × 10⁻¹⁸। अब इसमें यूनिट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अब पहली वाली यूनिट तो क्या लिखी हुई थी, न्यूटन में लिखी हुई थी, न्यूटन का मतलब है किसके अंदर लिखी हुई थी, SI यूनिट सिस्टम में लिखी हुई थी, अब इसको हम SI में लिखना, अब हमें इसको लिखना है किसके अंदर, चेंज करेंगे इसको, न्यूटन जो था SI में था, न्यूटन को अगर हम सीजीएस में चेंज करें तो उसको हम लिखते हैं डाइन में, न्यूटन को अगर उसमें चेंज करें तो लिखेंगे डाइन में, और जो पहले लिखी हुई थी यूनिट क्या थी, मीटर, तो मीटर को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर, ये सीजीएस में ये, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा केजी था वहां पर, तो केजी की जगह क्या जाएगा ग्राम, तो ये ग्राम स्क्वायर। तो ये क्या होगी, फर्स्ट यूनिट सिस्टम से हमने इसको सेकेंड यूनिट सिस्टम में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंज आया, अब एक चेंज ऐसा भी आता है जिसमें यूनिट सिस्टम में ही चेंज आता है, यानी अपनी तरफ से कोई भी एग्जामिनर जो आपको यूनिट सिस्टम बना के दे देगा, जैसे SI, CGS, ये जो है इनकी वैल्यू तो फिक्स है कि इसमें 1 kg होगा, 1 g होगा, तो इनकी वैल्यूज के अंदर फिक्स है। अब कुछ यूनिट सिस्टम एग्जामिनर क्या अपनी तरफ से बना के दे देता है कि इसमें आपको इस तरीके से ही क्या करना है, उन यूनिट्स को यूज करना, तो एक बार वो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये, अब इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल, तो 100 जूल की हमें वैल्यू निकालनी है ऑन अ सिस्टम। अब जूल है, एनर्जी की बात करें तो हमें समझ में आ गया भाई एनर्जी की बात है, तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला किसका लगेगा, एनर्जी का लगेगा, ठीक है चलो, और वैल्यू क्या है 100 जूल, ठीक, यानी SI में चेंज करना है, SI से कौन सा, अ सिस्टम विच हैज 20 cm, 250 g एंड 1/2 मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट, तो उसकी फंडामेंटल यूनिट चेंज होगी, वहां 1 1 थी, कोई भी सिस्टम में देखते हैं हम तो 1 1 होती है कि 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 1 होती है, पर 1 1 नहीं है, उसने अपनी मर्जी से दे दिया कि आपको क्या लेना, बेस यूनिट क्या लेनी है, 20 cm, 250 g और 1/2 मिनट लेनी है, ठीक है। अब SI2 क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिख देंगे हम न्यू यूनिट सिस्टम, हमें नहीं पता कि उसकी यूनिट क्या होगी, तो ये लिख दिया हमने न्यू यूनिट सिस्टम, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, एग्जामिनर ने अपनी तरफ से बना के दिया तो ये डिफाइंड नहीं है, तो उसको हमने न्यू यूनिट सिस्टम लिख दिया, ठीक है। तो अब पहली बात तो हम क्या करेंगे, अब इसमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस यानी मीटर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एम एल और टी, एम यानी मास, तो कितने मास प्रेजेंट है, के जी 1 प्रेजेंट है तो m1, एल यानी लेंथ कितनी प्रेजेंट है, 2, 2 m प्रेजेंट है, 1 a और 1 a यानी l2, और t टाइम कितना प्रेजेंट है, 2, पर 2 कहाँ पर, डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो m1 l2 t-2, ये किसकी डायमेंशन फॉर्मूला है, एनर्जी का, अगर याद नहीं है तो आप इजिली निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार हर चीज याद ही होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया, तो अब इससे ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -2, ठीक है। अब क्या करना है, SI2 न्यू, तो अब या तो m1 l1 और t1, इधर m2 l2 और t2, m1 SI यूनिट सिस्टम में तो भाई जो मास है उसको क्या लिखते हैं हम, 1 kg में लिखते हैं, फिर लेंथ को किस में लिखते हैं, 1 मीटर में लिखते हैं, और टाइम को लिखते हैं 1 सेकंड में,
अब उसने जो यह नए यूनिट सिस्टम मेंशन किया, उसने बोला कि मास को आपको किस में मेजर करना है, मास को करना है आपको 250 ग्राम में, मास को करना है 250 ग्राम के अंदर, ठीक है। और जो लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर करना है, लेंथ को उसने बोला 20 सेंटीमीटर में मेजर करना है। ये आपको बेस यूनिट लेनी है, वहां बेस यूनिट क्या थी, 1 मंथ थी, और यहाँ पर इसने चेंज कर दिया। और टाइम को किस में लेना, हाफ मिनट में, हाफ मिनट। अब हम क्या करते हैं इसके बाद में, कि दोनों के जो यूनिट है उनको सेम बनाते हैं, या तो दोनों को, अब जैसे केजी है या ग्राम है, इधर सेंटीमीटर है, तो दोनों को क्या कर लें, केजी वाले को ग्राम में चेंज कर लें, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें। टाइम है जैसे दोनों में सेकंड, सेकंड में चेंज कर लें दोनों को। अभी जो केजी है बस ये सेम होना चाहिए, हमें मेन पर्पस क्या है, सेम होना चाहिए यूनिट। तो केजी को हमने कर लिया 1000 ग्राम। अब इधर भी ग्राम हो गया, इधर भी ग्राम हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इधर मीटर है, इधर सेंटीमीटर, तो हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट हो जाएगा टाइम, इधर तो है सेकंड में, इधर है मिनट में, तो हम चाहें तो सेकंड को मिनट में चेंज कर लें, यानी 1/60 मिनट हो जाएगा, और चाहें तो मिनट को किस में चेंज कर लें, सेकंड में। तो मैं यहाँ मिनट को सेकंड में चेंज करती हूँ, 1/2 × 60 यानी 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में हो गया। अब वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P2 = P1, P1 क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में, 100 जूल की, 100 जूल को चेंज करना है, तो हम गए 100 जूल × M1/M2। M1 की वैल्यू क्या है, 1000, M2 की वैल्यू कितनी होगी, 250, और पावर कितनी आएगी, पावर ए थी तो ए की वैल्यू 1। नेक्स्ट L1/L2, L1 की वैल्यू 100, L2 की वैल्यू 20, ठीक है। और पावर कितनी आ जाएगी इसकी, बी है तो बी की पावर वैल्यू है 2। T1/T2, T1 की वैल्यू 1, T2 की वैल्यू 30, पावर कितनी आ गई यहाँ पर, -2, ठीक है। अब देखो, इस 0 से 1 0 कट, 25 से 100 कट हो जाएगा 4 टाइम, 20 से ये 100 कट हो जाएगा 5 टाइम, यहाँ तो कुछ कट हो नहीं रहा। नेक्स्ट 100, अब ये है यहाँ बचा 4, तो 4 की पावर 1 इट मीन्स 4, यहाँ बचा 5, बट 5 का स्क्वायर है ऊपर। अब इधर है 1/30, अगर पावर नेगेटिव में, किसी भी वैल्यू की पावर नेगेटिव में, तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर दें, तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी जो 30 है इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, तो मतलब ये 1/30 का रेसिप्रोकल करूं तो हो जाएगा 30, तो 30 का स्क्वायर। ये नेगेटिव था, ये कहाँ चला गया, इसलिए हमने साइड चेंज की, तो ये क्या आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर चला जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, अभी नीचे है वैल्यू तो कहाँ चलेगी, ऊपर। तो ये 100 × 4, 400 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 300 का स्क्वायर 900, ये 25 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये और ये 9। अब इनको हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज भी लिखेंगे, कितने जीरोस है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 9 × 10 पावर 6, ठीक है। तो हमने P2 यानी जो भी ये क्या आ गई, P2 क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, किस में न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरे यूनिट में, दूसरी कौन सी है हमें पता नहीं, क्योंकि ये तो अनडिफाइंड यूनिट सिस्टम है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, न्यू यूनिट सिस्टम। अब जो भी होगा उसका यूनिट सिस्टम उसके अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि अपनी तरफ से डिफाइन किया एग्जामिनर ने, तो यहाँ लिख देंगे हम यूनिट सिस्टम। तो ये हमने यूज पढ़ा कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें क्या करते हैं, जब वन यूनिट सिस्टम को अनदर यूनिट सिस्टम में चेंज करने के लिए, उसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू को, वन यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला यूज। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चेक करेंगे कि फिजिकल जो रिलेशन है उसकी करेक्ट टेस्ट की, अगर जो हमने कोई इक्वेशन है तो हमें चेक करनी कि वो फिजिकली सही है या नहीं है। दूसरा जो है रिलेशनशिप किसके अंदर, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, यानी उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या किस तरीके से स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जो भी चीजें वो हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।